हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका आपका अपने चैनल क्रिप्टो मछली में। दोस्तों बात करें एलपी टोकन की। दोस्तों एलपी टोकन का जो रेट है, अगर आप चेक करते हो कॉइन मार्केट ऐप के ऊपर, तो यहाँ पे जो रेट चल रहा है लाइव रेट 98 रुपये के आसपास चल रहा है। और यहाँ पे बात करें दोस्तों आज के दिन की चेंज की, 24 आवर के अंदर क्या चेंज आया टोकन में, तो आज के दिन में जो टोकन का जो रेट है 8% के आसपास नीचे गया है। और दोस्तों अगर आप देखते हो तो डेली इसका जो रेट है 5 से लेकर 6% तक डेली नीचे जा रहा है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि जो एलपेंटी का जो रेट है डेली क्यों नीचे जा रहा है। तो ये जानने के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें। और बाकी दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप आपको पता होगा दोस्तों कि जो एलपेंटी है, एलपेंटी का कुछ टाइम पहले 5 से 6 मंथ पहले ही खुद का एक प्रोजेक्ट आया था, वो था USLD, खुद का एक स्टेबल कॉइन। आप इस बात को ध्यान में रखना, तभी आप पूरी बात समझ पाओगे। अगर आप यहाँ पे 1 ईयर का प्राइस चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है दोस्तों, और अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो एलपेंटी ने 6 से लेकर 7 हज़ार तक के लेवल टच किए हैं। मतलब कि 6 से लेकर 7 हज़ार तक का कॉइन आज 100 रुपये का है। तो अभी ये जो प्राइस है इतना डंप क्यों गया? नॉर्मल सी बात दोस्तों कि हैवी सेलिंग हुई। अभी ये जो सेलिंग है किसने की, कितनी मात्रा में की, तो ये भी नॉर्मल बात दोस्तों कि ये जो सेलिंग की गई है, ये जो एलपेंटी की जो कोर टीम है, इसके डेवलपर है, उनके द्वारा की गई है, क्योंकि उन्हीं के पास ज़्यादा क्वांटिटी में कॉइन अवेलेबल हैं, ना कि छोटे मोटे जो इन्वेस्टर हैं उनके पास। तो यहाँ पे जो सेलिंग करी गई है, ये जो सेलिंग करी गई है, ये एलपेंटी के इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, या फिर जो एलपेंटी की जो कोर टीम है, डेवलपर है, उनके द्वारा करी गई है। अभी उन्होंने ये जो सेलिंग है क्यों करी, तो अभी आपको पता होगा दोस्तों कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, जो लोग क्रिप्टो में काम करते होंगे, क्रिप्टो करेंसी में काम करते होंगे काफ़ी टाइम से, तो उनको पता होगा कि कुछ टाइम पहले एक लूना कॉइन था, टेरा लूना कॉइन था, उसका भी खुद का एक स्टेबल कॉइन आया था टेरा USD करके। तो उसने ऐसा किया था कि जो टेरा लूना की जो डेवलपर थे, उन्होंने अपने स्टेबल कॉइन को और स्टेबल करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को स्टेबल करने के लिए, उन्होंने अपने टेरा कॉइन को काफ़ी ज़्यादा सेल किया था। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को स्टेबल करना है, अगर कोई कॉइन है, अगर अपने प्रोजेक्ट लेके आता है, तो उसको अपने प्रोजेक्ट को स्टेबल करना है, तो उसको चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट। तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता है? यहीं से आता है दोस्तों। ये जो हाई लेवल होते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, हम हाई लेवल पे ऐसा लगा देते हैं। तो टेरा में भी ऐसा हुआ था दोस्तों कि जो टेरा का जो प्राइस था काफ़ी अप हो गया था, और लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते जा रहे थे। और जब काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया वहाँ पर, तो जो टेरा की जो टीम थी, टेरा लूना की जो टीम थी, डेवलपर टीम थी, उसने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेल आउट किया था कॉइन को। और फिर उन्होंने एक स्टेबल कॉइन लेके आए थे बाद में, और बाद में वो प्रोजेक्ट फेल हो गया था। वो अलग स्टोरी दोस्तों। बट यहाँ पे अगर आप उस लिंक को यहाँ पे आप मैच करते हो, टेरा के अगर आप लिंक को यहाँ पे मैच करते हो, तो जो स्टोरी है सेम है। यहाँ पे भी जो एलपेंटी है, एलपेंटी अभी के टाइम में देखोगे आप, तो 5 से 6 मंथ पहले अपना एक स्टेबल कॉइन मार्केट में लेके आया है। हालांकि ये जो कॉइन है अभी मार्केट में आया नहीं है, बट प्रोजेक्ट आ गया है। तो ऐसा हो सकता है दोस्तों कि जो एलपेंटी है, एलपेंटी अपना जो इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहा हो USLD में, इसके प्रोजेक्ट को डेवलप करने में, या फिर आने वाले टाइम में जो एलपेंटी के जो NFT आ रहे हैं, मेटावर्स आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा दोस्तों यहीं से आएगा, हम लोगों का पैसा ही लगेगा यहाँ पे। कि जो एलपेंटी की जो कोर टीम है, डेवलपर है, उनके पास वो इतना पैसा नहीं है कि वो पैसा खुद का लगाएं, वो पैसा हम लोगों का ही लगाएंगे। जो ये जो लेवल होंगे ना, इन्हीं लेवल का पैसा, जो नए नए प्रोजेक्ट आते हैं, कोई भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है, तो वो अपनी होल्डिंग को सेल करते जाते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी एक के टाइम में देखोगे तो 50 से लेकर 60% तक की जो होल्डिंग है एलपेंटी के पास, जो उसकी कोर टीम है उसके पास है, जो उसकी डेवलपर टीम है, तो वो टाइम टू टाइम वहाँ पर अपनी होल्डिंग को सेल करते रहते हैं, और जो नए नए प्रोजेक्ट आते रहते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो वहाँ पे सिंपल सी बात होती है दोस्तों कि जो कॉइन का जो प्राइस है नीचे ही जाना है। अभी जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो कितने कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, वो तो बाद की बात होती है, बट जो प्राइस को जो नीचे जाने के जो रीज़न होते हैं यही होते हैं। बाकी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू।